मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सो टुडे वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर 21 हेवनली बॉडीज फ्रॉम पेज नंबर 132। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है? द सन एंड 8 प्लैनेट्स, द सैटेलाइट एंड सम अदर हेवनली बॉडीज फॉर्म अ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम जो होता है वो सन, 8 प्लैनेट्स और कुछ सैटेलाइट्स के मिलने से बनता है। सोलर सिस्टम जो है उसमें टोटल 8 प्लैनेट्स होते हैं। यहाँ पे सोलर सिस्टम दिखाया है, इसमें प्लैनेट्स होते हैं मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। दीज ऑल आर द 8 प्लैनेट्स विच आर प्रेजेंट इन द सोलर सिस्टम। Now the solar system, the earlier and another heavenly body named Pluto was considered the ninth planet of the solar system. पहले क्या था कि एक heavenly body जिसका नाम Pluto है उसे भी consider करते थे ninth planet of the solar system. अब solar system में सिर्फ 8 planet हैं। पहले हम Pluto को भी include करते थे और consider करते थे as a ninth planet of the solar system. It is still present in the solar system. ये अभी भी solar system में present है and now it is called dwarf planet. अब इसे हम dwarf planet कहते हैं। Solar system में total 8 planets हैं, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. These all are the 8 planets which are present in the solar system. इन 8 प्लैनेट के मिलने से सोलर सिस्टम बनता है। देखो जैसे ये पिक्चर में शो किया गया है, देयर इज अ सन, सन के अराउंड, जैसे मैंने आपको बताया सन के अराउंड जो है वो आठों के आठों प्लैनेट जो हैं वो घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम सोलर सिस्टम कहते हैं। दिखाया गया है सन, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। दीज ऑल आर द 8 प्लैनेट्स एंड उनके अलावा कुछ यहाँ पे सैटेलाइट्स दिखाई गई हैं और कुछ और भी सैटेलाइट बॉडीज जो यहाँ पे दिखाई गई हैं, इन सब के मिलने से सोलर सिस्टम बनता है। बट सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स होते हैं और सोलर सिस्टम के जो भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड चक्कर काटते रहते हैं। नाउ द अर्थ, आर होम, जो अर्थ है वो कैसी है? द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जो अर्थ है वो थर्ड प्लैनेट है सोलर सिस्टम की। इट इज ओनली द प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम विच हैज लाइफ ऑन इट। यही एक ऐसा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का जिसके अंदर जो लाइफ है वो प्रेजेंट है। द फ्लैटन्ड एंड ऑफ द अर्थ आर इट्स पोल, जो इसके फ्लैटेंड एंड है उन्हें हम पोल्स कहते हैं। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। 3/4 सरफेस जो है अर्थ का वो पानी से भरा हुआ है। ऑल्सो इट हैज थिक लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग, इट इज कॉल्ड एटमोसफेयर। और अर्थ के ऊपर एक बहुत ही पतली सी लेयर है जो कि हवा की लेयर है, उस लेयर को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इट कंटेन मैनी गैसेस, जिसमें बहुत सारी गैसेस है जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और एयर में और क्या क्या होता है, वाटर वेपर्स होते हैं और डस्ट होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब हवा चलती है तो उसमें कुछ वाटर के कंटेंट, कुछ नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी के कण और डस्ट यानी कि मिट्टी, धूल मिट्टी भी उसमें प्रेजेंट होती है। तो अर्थ वेट्स 81 टाइम्स मोर देन द मून। जो अर्थ है उसका जो वेट है वो 81 टाइम्स ज्यादा है मून से। यहाँ पे आपको दिखाया गया है एक अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो मैंने आपको बताया था ना फ्लैटेंड एंड, फ्लैटेंड एंड देयर टू फ्लैटेंड एंड, दो पोल्स, वो फ्लैटेंड एंड को पोल्स कहते हैं। जहाँ पे एस दिखा है वो एक है यानी कि साउथ पोल है और जो नीचे एन दिखा है दैट इज नोन, दैट फ्लैटेंड एंड इज नोन एज नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ।
इस पिक्चर में दो एंड बताए ना आपको, जो गोल सा ये है वो आपको अर्थ दिखाई दे रही है, जो ऊपर है वो साउथ एंड है यानी कि साउथ पोल है, और नीचे जो है वो नॉर्थ पोल है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, योर होमवर्क इज चैप्टर नंबर 21 हेवनली बॉडीज, यू हैव टू रीड द पेज नंबर 133 थॉरली फ्रॉम योर बुक। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।